ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಸೋಲೋಮನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಪರಿಸರವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದರು। आज जो है एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वाकई में हमारे इलाके में प्लैनेट को बचाना है, इंसान को जो है ऑक्सीजन के जरिए से हमें जिंदा ही है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमें जिंदा रहती हैं। अब कोरोना में कितना ऑक्सीजन की कमी होगी मालूम नहीं, मालूम नहीं, सिलेंडर इधर से उधर, उधर से इधर ले ले को फिरे, तो ये सारे चीज़ें जो हमारे दिमाग में रख ले को हमारे फैसल सर जो हैं उन्होंने इनिशिएट करें कि आने वाले दिनों में एक हफ्ता वन वीक बिफोर मेरे से मुलाकात करें और डिस्कस करें, बताएं कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते में एनवायरमेंट डे आने वाला है, तो हमें लोग जो हैं ये एनवायरमेंट डे के दिन सैपलिंग प्लांटेशन करना बोल को, यानी के छोटे छोटे झाड़ा जो हैं हमें हमारे इलाके के अंदर लगाना कर को बोल को सोच को ही, और ये लगाने के वास्ते हमारे बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं, हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा रखने के वास्ते और हमारे मोहल्ले में जो कुछ भी हैं बड़े छोटे सबके वास्ते अच्छी ऑक्सीजन मिले दे कर को बोल को, तो मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी टू नो दैट के हमारे सोलोमन स्कूल के स्टूडेंट्स के इतने अच्छे ख्यालात हैं बोल को, बिकॉज आज तक कौन से भी स्टूडेंट्स के नए मैं ये नहीं सुनिया के नोबडी केम टू मी एंड आस्क फॉर सैपलिंग प्लांटेशन, तो बच्चे तुम्हें लोग जो हैं अपने सर के थ्रू मेरे तक ये बात पहुँचाए, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू के तुम्हारे लोगों का इतने अच्छे ख्यालात हैं और यू हैव ए वेरी गुड थिंक टैंक फॉर आवर फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से मैं क्या करया सैपलिंग्स रेडी करवाया, सैपलिंग्स रेडी करवा को हमारे फैसल सर से बात करया, ठीक है सर संडे के दिन आई विल रीच, मैं पहुंच जाता हूं और मेरे आने के पहले एक दिन या दो दिन पहले हमारे जो सैपलिंग्स यानी कि झाड़ा छोटे छोटे, तो ये झाड़ा भी जो हैं सैपलिंग्स भी तुम्हारे तक पहुँच जाती है इंशाल्लाह, हमें इसे लगा डालेंगे स्टूडेंट्स के साथ मिल को बोल को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी थाट्स है।